सर टोपी भी पहने हुआ है। चार पाँच की रात्रि को ये सूचना प्राप्त हुई थाना इंचार्ज पिपराही को कि बिलवा नरकटिया के महेश राहनी द्वारा जो गांजा का अवैध व्यापार किया जाता है और वो गांजा छुपा के घर में ला के रखे हुए हैं, इस पर उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया गया, जिस पर एक टीम गठित की गई और गठित टीम के सदस्यों द्वारा वहाँ चार पाँच की रात्रि को वहाँ छापेमारी की गई। घर पर उसकी छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उसके अलमीरा में पन्नी में रखे हुए 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ और प्लस सूटकेस में रखे हुए जो डायरी था जिसमें कि जिन लोगों को इनके द्वारा गांजा सप्लाई किया जाता था उनके नाम और साथ में 2,64,000 इंडियन करेंसी और 36,040 रुपये नेपाली करेंसी बरामद किया गया। और बरामद करने के बाद विधिवत कार्रवाई जब्त करते हुए उसके बाद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके अलावा महेश सहनी द्वारा अपने जिन जिन लोगों को इसमें सप्लाई किया जाता था या करते रहे उनका भी नाम बताया गया, जिसका भी सत्यापन किया जा रहा है। उस पर भी साक्ष संग्रह होने पर इसमें हम लोग विधिवत सम्मत कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये पहले भी 104 कांड मैंने कि 11 में मैंने कि मारपीट के केस में एवं पिपराही में 22/2004 में ही एक कांड प्रतिवेदित हुआ था जिसमें भी ये अवैध गांजा के कारोबार में जेल जा चुके हैं और उपत्रित रहे हैं। इसके अलावा 5 तारीख को ही एक दूसरा जो घटना घटित हुई जिसमें एक संध्या में विजय कुमार फलना का मोबाइल छीनकर अभियुक्त राजकुमार को भी पकड़ा गया है, उनके विरुद्ध भी है जो कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। और एक अन्य कांड दर्ज हुए थे जिसमें कि प्रदीप राय देखली धर्मपुर के यहाँ अवैध शराब बरामद हुए हैं और उनको भी है जो विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसके अलावा अभी तक लगातार हम लोग मद्य निषेध में लगातार जो भी यहाँ भट्टियाँ इत्यादि हैं जहाँ जहाँ चिन्हित हैं मुसहरी वहाँ हम लोग टीम गठित करके संगठित टीम गठित करके छापामारी कर रहे हैं और जो भी मस्त निषेध में जो भी कार्रवाई हो रही है हम लोग का पूरा प्रयत्न रहेगा कि जहाँ जहाँ जो अवैध कारोबार हो रहा है चाहे इस सब पर पुनः पूरी तरह से रोक लग सके। और इसके लिए